और अब हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर आरफा सिद्दीकी को आइए डॉक्टर आरफा सिद्दीकी जहाँ मैंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ सीखा भी बहुत डांट भी खाई और बहुत कुछ सीखा जो मैंने कभी अपनी क्लिनिकल्स में नहीं सीखा था वाकई मैं मैंने मैं बहुत थैंकफुल हूँ गुलाब सर और वर्षा मैम के जो मुझे बहुत गाइडेंस दिया और बहुत सपोर्ट किया और मुझ पर बहुत सपोर्ट किया कि मैं जिस चीज़ के काबिल उन्होंने मुझे वो सब ड्यूटीज दी आई एम वेरी थैंकफुल टू दैम मेरी पहले ही जैसे मैं आई तो मुझे लगा था पता नहीं क्या सीखूंगी क्या करूंगी क्योंकि मैं एकदम डल स्टूडेंट थी मेरे को अच्छे से कुछ आता नहीं था लेकिन मैंने अपनी इंटर्नशिप में इतना सीखा इतना सीखा कि मैं सीरियसली मुझे नहीं पता था कि मेरी पर्सनालिटी क्या से क्या बन गई है आज आज मेरे क्या डॉक्टर खुद मेरे अंदर पर्सनैलिटी आ गई कि मुझे खुद नहीं पता मैं जैसे ही आई तो मुझे ड्यूटी मेरी मैम ने आई में लगाई थी दैट इज़ इन पेशेंट डिपार्टमेंट जहाँ पेशेंट्स आके हमारे पास रुकते हैं अंडर हमारे ऑब्जर्वेशन रहते हैं तो मैंने जैसे ही आया मैंने उनकी केस हिस्ट्रीज ली ली हम लोग ने उनका डॉक्यूमेंटेशन करा उनकी डिसीज़ को अच्छे से जाना कि वो किस प्रॉब्लम से हमारे पास आए और कितनी उम्मीद लेकर हमारे साथ आएँ कि वो यहाँ से ठीक होके जाए और हमने जब उनको देखा उनको परखा और हमारे अंडर रहे तो हमें ये पता चला कि हम किस डिसीज़ में क्या ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं क्या क्या डाइट दे सकते हैं जो डाइट का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे नेचुरोपैथी में डाइट का ज़्यादा महत्व है इसलिए हम डाइट पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो मैंने बहुत कुछ देखा कि ऐसे डिसीजेज देखी जो मैंने शायद अपने क्लिनिकल्स में भी नहीं देखी थी और मैंने पेशेंट्स को यहाँ से 80 टू 90 परसेंट क्योर होते तो हुए जाते देखे अपने आंखों के सामने मैंने उनके वाइटल पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करा क्योंकि डिसीज़ के अकॉर्डिंग और डाइट के अकॉर्डिंग इनके वाइटल्स भी चेंज होते हैं तो हमने उसको मॉनिटर करा तो इससे हमें पता चला इससे हम रिसर्च भी कर सकते हैं कि अगर हम पेशेंट को ये डाइट दे रहे हैं ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं हमने ये मॉनिटर अच्छे से किया फिर हमने कैम के पेशेंट्स को ऑब्जर्व करा पूरा लाइक कैम्प में पेशेंट्स को हम रॉ डाइट देते हैं उनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स होते हैं और हमारा मेनली फोकस रहता है लाइक एलिमिनेशन like, का तो हमने ये सब ऑब्जर्व करा फिर हमने चेंजेस देखी कि एट द टाइम उनके अंदर क्या क्राइसिस आ रहे हैं लाइक like, डिसीज क्राइसिस भी आते हैं और हीलिंग क्राइसिस भी आते हैं तो लाइक एमरजेंसी केसेज में सर और मैम ने हमें गाइडेंस किया कि तुम्हें कैसे क्या, क्या करना है अगर आ रहा है तो हमें कॉन्फिडेंट हो गया कि हमें कैसे उनको कोपअप करना है अगर ऐसी कुछ कंडीशन पेशेंट के साथ आ रही है तो हमें डील करने का पूरा पूरा मौका मिला और हमने बहुत अच्छी से डीलिंग करी सेकेंड मैंने कंसल्टेशन बहुत अच्छा सीखा लाइक like वर्षा मैम के गाइडेंस में मैंने बहुत कुछ सीखा है उनके साथ मैंने बैठ के एक कंसल्टेशन सीखा कि पेशेंट आ रहा है तो उससे कैसे हमें डील करना है द मेन थिंग इज डीलिंग अगर हमारा नेचर अच्छा नहीं है पेशेंट के अकॉर्डिंग तो हम कभी पेशेंट को डील नहीं कर सकते हम जब तक उसकी बीमारी को दिल से नहीं सुनेंगे तो पेशेंट भी सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक हम उसको पेशेंट को ये नहीं बोलेंगे कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएंगे हम तुम्हें ठीक करके जाने देंगे तब तक वो पेशेंट खुद अपनी बीमारी दिल से हमें नहीं बताएगा तो हमने ये चीज़ मैम से बहुत अच्छी सीखी है और आईपीटी के टाइम ही थैंक करूंगी सिद्ध भाव जी को मैम को एंड सर को कि उनने हमें एक मौका दिया फास्टिंग कराने का जो बहुत बड़ी चीज़ है नेचुरोपैथी में हमने आज तक कभी फास्टिंग एक्सपीरियंस नहीं किया था सिर्फ पढ़ा था लेकिन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब तक करा कि करनी है फास्टिंग बट हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा कि फास्टिंग होती क्या है हमने बहुत उस टाइम हमारे क्राइसिस जो आए मतलब जब तक इंसान अपने पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता हमने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट करा और लाइक डिसीज क्राइसिस हमारे बहुत आए थे जो मैम और सर ने बहुत अच्छे से करा मेन थिंग हमें रेस्ट दिया हमें उस टाइम पे कोई काम करने को नहीं दिया था सबसे अच्छा वो लगा कि रेस्ट मिला था हमें और जो जो चेंजेस आए अब मुझे ये कॉन्फिडेंट है कि मुझे किस जिस में पेशेंट को फास्टिंग प्रिस्क्राइब करनी है और किस में नहीं करनी है क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ गया मैंने अपने पर करी है और क्या क्राइसिस अगर पेशेंट को आते हैं तो हम उस टाइम क्या करना है क्या इमरजेंसी मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं लाइक हमारी इमरजेंसी आपको पता है फर्स्ट एड जो किचन बॉक्स बना है लाइक उसी से ट्रीट करना है तो हमें क्या उस टाइम देना है वो सब मुझे मैम और सर ने बहुत अच्छे से समझाया सेकेंड मेरी ड्यूटी लगी थी हाइड्रोथेरेपी एंड वेनेटिलिवरी डिपार्टमेंट में जहां मैंने बहुत सीखा लाइक जो थेरेपिस्ट ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं उनका प्रोसीजर कैसा है वो सही दे रहा है नहीं दे रहा है हमने वो ऑब्जर्व करा अगर वो गलत कर रहे हैं तो हमें इनको लेकर कोने में समझाना पड़ता है कि आप ये गलत कर रहे हो आपका प्रोसीजर गलत है आपका प्रोटोकॉल गलत है हमने टाइमिंग ऑब्जर्व करा लाइक टाइमिंग क्या है क्या नहीं है उनका परफेक्ट टाइमिंग कुछ है कुछ पेशेंट्स बोलते हैं हमसे कि आपने इतनी देर की लपेट बांधी लाइक ऐसा नहीं है हमें उनको बताना है कि आपको जितना स्पेसिफिक है जितना टाइमिंग आपके लिए सूटेबल है हम उतनी देर के लिए ही देंगे तो मैंने ये सब ट्रीटमेंट सेक्शन में लाइक फोन मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल हटाया लाइक like फोन पे पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं बट दे आर नॉट रिलैक्स वो बात करने में लगे हैं तो हमें वो सब रिस्ट्रिक्ट करवाया वो भाजी ने हमको मीटिंग में बोला कि वो हटवाओ तो वो हमने रिस्ट्रिक्ट करवाया उससे पेशेंट्स मेंटली फिजिकली दोनों रिलैक्स रहेगा फिर हमने लाइक like, बहुत सारे मैंने ट्रीटमेंट सेक्शन में न्यू ट्रीटमेंट्स इंप्लीमेंट भी किए हैं लाइक हॉट सोन मसाज मैंने इंप्लीमेंट किया वस्ती किया शिरोधारा किया एंड बस्टर्ड प्लास्टर किया अरोमा मसाज किया दैन uh, मैंने ये सब इम्प्लीमेंट भी किया और पेशेंट पे उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे देखे लाइक मस्टर प्लास्टर नी पेन में सेवन डेज में उनको सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट रिलीव मिल रहा है तो इट्स वेरी इफेक्टिव देन मैंने uh, मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके बाद दैट इज़ पी आर ओ की जॉब जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी अपनी लाइफ में मुझे वहाँ जाके अपॉर्चुनिटी मिली दैट इज़ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मुझे मैंने वहाँ एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करा और मैं जैसे सर ने बताया कि जरूरी नहीं है मैनेजमेंट चलाने के लिए एक एम बी ए वाला ही ज़रूरी हो भाई मैंने भी एक पूरा हॉस्पिटल अपने पे मैनेज करके देखा और मैंने बहुत अच्छे से को बहुत अच्छे से निभाया पूरा हॉस्पिटल मैंने वहाँ पे थेरेपिस्ट तो मेरे बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करा थेरेपिस्ट के बीच में साथ में जो वहाँ पे लाइक वर्कर्स रहते हैं उनसे भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी और मैंने ये सब देखा कि अगर जो जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल को वो हमने भाजी से मीटिंग में बात करके वो सब सुझाव रख के अपने और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करी सब चीज़ें और कि कैसा बेहतर हम मैनेजमेंट कर सकते हैं आरोग्य केन्द्र हमने वो सब भी बहुत अच्छे से करा तो उसके लिए मैं मैम और सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी जो मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया मेरे हर चीज़ में लास्टली मेरी ड्यूटी लगी दैट इज एक्यूपंक्चर में एक्यूपन्चर में मैं क्लिनिकल्स में इतना नीडलिंग में कोई कॉन्फिडेंट नहीं थी बट मैंने क्लिनिकल्स में आके बहुत कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करा अपना नीडलिंग में और मैंने एक पेशेंट को इतना अच्छा ट्रीट करा कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं कभी कर पाऊंगी मेरी एक पेशेंट थी वो सर्वाइकल पोनोलाइसिस की आई थी केस वो एक दिन में तीन सडेटिव मेडिसिन लेती थी तो वो पहले नहीं लेना क्योंकि वो डेली से एक्यूपंचर लेकर आई थी तो वो मैम की पेशेंट थी तो मैम ने उसको बहुत काउंसिल करा कि एक बार आप यहाँ एक्यूपंचर लेके देखिए तो मेरे सामने ही मैम ने उससे बात करी तो फिर मैम ने मुझे हैंड ओवर करा वो पेशेंट तो मुझे भी कोई कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मुझे एक्ट में उस टाइम मैंने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे नहीं थे लेकिन जब तक अपन खुद से नहीं करते खुद एक रिसर्च नहीं देख लेते अपन को कॉन्फिडेंट लेवल नहीं डेवलप होता तो मैंने उस पेशेंट को कम से कम नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट क्योर करा सिर्फ फर्स्ट सिटिंग में ही वो विदाउट मुझसे कि मेडिसिन भी छूट गई उसकी और वो बहुत अच्छे से ट्रीट होके गई यहाँ से नेक्स्ट मैंने बहुत सारे केसेस को हैंडल करा एक्यूपंचर में जो शायद मैंने कभी अपने क्लिनिकल्स में नहीं करा था तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ सीखा बहुत डाइट भी खाई है सबसे ज़्यादा शायद मैंने ही सारे इंटर्नीस में डाइट खाई होगी और बहुत कुछ बहुत बहुत ज़्यादा कुछ सीख के जा रही हूँ यहाँ से और बहुत अटैचमेंट भी हो गया है सबसे आरोग्य केंद्र मुझे जो मुझे कभी किसी से नहीं हुआ था हाँ तो मेरे सौरभ मैम मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझे पता है और उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर जगह मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगी उनने मेरा सपोर्ट कहीं नहीं छोड़ा उनने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लेवल डेवलप करा है मेरा तो मैं भाजी को थैंक यू करना चाहूँगी उन्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हमारे प्रिंसिपल सर को जोने मेरी पूरी होल इंटर्नशिप आरोग्य में ही रखी और गुलाब सर वर्षा मैम को आई एम वेरी थैंक